हेलो बच्चों, देखो आज की हमारी कहानी है सारी दुनिया प्यारी दुनिया। चलो इसे शुरू करते हैं। इसमें पहली लाइन है हमारी, मुझे सूरज अच्छा लगता है। ये लड़की कह रही है मुझे सूरज अच्छा लगता है, लेकिन सूखा नहीं। इसको सूरज तो अच्छा लगता है लेकिन सूखा अच्छा नहीं लगता। मुझे हवा अच्छी लगती है। देखो हवा चल रही है तो उस लड़की को हवा अच्छी लगती है, लेकिन बवंडर नहीं। अगर हवा तेज आ जाए या तूफान आ जाए तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे हवा चलती है तो वो उसको अच्छा लगता है। मुझे बारिश अच्छी लगती है। अब बारिश होती है हल्की हल्की तो उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तूफान नहीं। उसको तूफान अच्छा नहीं लगता। जब बहुत तेज़ बारिश आए और बहुत तेज़ हवा आए तो वो उसको पसंद नहीं है। फिर ये कह रही हैं मुझे नदियाँ अच्छी लगती हैं। ये नदियाँ तो मुझे अच्छी लगती हैं जो धीरे धीरे बह रही हैं, आराम से उसमें नाव चलाओ, लेकिन बाढ़ अच्छी नहीं लगती उसको। बाढ़ में क्या होता है, घर डूब जाते हैं तो बाढ़ अच्छी नहीं लगती। नदियाँ तो अच्छी लगती हैं। मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्वालामुखी नहीं। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी में आग निकलती है, इसलिए उसको ज्वालामुखी तो पसंद नहीं है। मुझे समुद्र अच्छा लगता है। समुद्र अच्छा लगता है, धीरे धीरे लहरें आती हैं, पैरों में लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन सुनामी अच्छी नहीं लगती। सुनामी में क्या होता है, समुद्र की बहुत सारी लहरें आती हैं और हमें डुबा देती हैं। मुझे सारी दुनिया का सब कुछ अच्छा लगता है। उस लड़की को सारी दुनिया का सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, चलो इस तरह से हमारी कहानी ख़त्म हुई।